स्वागत है हमारे YouTube चैनल फगुने 07 ऑफिशियल में। तो आज होली का कौन सा दिन है? आज ऐसे बोलते हैं। आज हम लोग पकौड़ी कौड़ी बनाते हैं। और ये फगुनिया देखिए पकौड़ी बनाने के लिए सब मसाला रेडी कर रही है। इसमें क्या बना रही है? बेसन का पेस्ट है तो बना रही है, ताकि इसमें हम ब्रेड चॉप, आलू चॉप, बैगनी ये सब बनाएंगे हम। इसीलिए अभी पहले हम बेसन को अच्छे से मिला लेते हैं, उसके बाद और फ्रेंड अभी आप लोग देख रहे होंगे हम ये अपना ड्रेस जो यहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ से छुट्टी लिए हैं। तो जा करके अभी हम ब्लॉग बनाने के लिए आए हैं और हमारे सर को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें समझा और छुट्टी दे दिया आधा घंटे के लिए। और उसी के दरमियान हम ब्लॉग बनाने के लिए आ गए। और देखिए ये जल्दी से फटाफट काम कर रही है क्योंकि ब्लॉग भी बन जाए और इसका काम भी हो जाए, क्योंकि दक्ष भी रो रहा है। उसको भी दूध का बोतल दे दिए हैं और चुपचाप सोया हुआ है। तो बने रहिए का ब्लॉग में, देखते हैं ये कैसे पकौड़ी बनाते हैं। चलो हम नीचे बैठ के बनाते हैं। इधर आलू सीज रहा है, ये कुकर में चढ़ा दी। और इधर हम गोभी भी उबाल रहे दो दो। देखिए गरम है, इसमें गोभी उबल रहा है ना, देख सकते हैं गोभी थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। और अब हम सब चीज फ्रिज में काट के रखे हैं, अब हम उसको लेके आते हैं। बेसन को पहले और अच्छे से घोल लेते, लगता और पानी लगता थोड़ा। कहाँ जा, हम इनको फोन करके बुला लिए कि आप जल्दी से आ जाइए क्योंकि हम अब बनाने जा रहे हैं। तो ये जल्दी से आ गए हैं क्योंकि हम बोले कि आप आ जाइएगा तो आप थोड़ा बाबू को भी पकड़ लीजिएगा और मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। मैं तो हम फिर ब्लॉग भी नहीं बना पाते, इसीलिए मैं उनको काम से बुला लिए हैं। तो देखिए हम ये घोल फ्रेंड, इसका थोड़ा मोड़ा हम काम कर देते हैं और फटाफट काम करते हैं इसका, ताकि ये थोड़ा सा बिजी हो जाए, बिजी ना हो। और देखिए ये दक्ष कैसे इसको बोतल दे दिए, ये चुपचाप सोया हुआ है। तो देखते हैं फ्रिज में कुछ रखा होगा इसका सामान, इसका सारा सामान तो फ्रिज में रखा दाग छुड़वाएगा ना बेटा। आप देख सकते हैं इसका सारा सामान रखा हुआ इसी में, फटाफट इसका हम ला देते हैं। लो और कुछ लाना है क्या? देखते हैं। धनिया का पत्ता, और इसका तो काफ़ी यूज होगा आज। देखिए हम सारा चीज यहाँ पे ला के रख चुके हैं और अब हम इसको धो धो के अच्छे से प्लेस कर लेते हैं। लगता है मेरा कढ़ाई भी काफी ज्यादा गर्म हो चुका है तो हम उसमें तेल डालते हैं। बस आइसक्रीम वाला आया तो गाना बजा रहा, और आइसक्रीम वाला हमेशा अच्छा। मार क्यों रही है इसको, मार खा रही? इनको गिरा दिया, ये गिरा दिया। और ये देखिए बहुत शैतान होते जा रहा है, छोटा है लेकिन बहुत सारा शैतानी जैसा कर रहा है। सोना कुल्फी खा ली बेटा? कुल्फी खाता है, तेल हो गया है। अब हम इसमें सब कुछ डाल के इसको ऐसे मिला लेते हैं। तो ये गरम हो चुका है ना, तो बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस चूल्हे में डाल देते हैं। गोभी का पकौड़ी बनाने जा रहे हैं। देखिए मेरा गोभी का पकौड़ी है और हम इसको अच्छे से मिक्स कर करके डाल रहे हैं तेल में।
और इधर बैगन का पकौड़ी बनेगा, ये प्याज का बनेगा, धनिया पत्ता है स्वाद के लाने के लिए, इधर प्याज का भी बनेगा। तो चार पांच किस तरह का बना रही है ना। और ये रहा ब्रेड, ब्रेड चप भी बनेगा क्या? हाँ। और ये बेसन का पैकेट देखिए हम लोग लाए हैं, क्योंकि बेसन का, बेसन से ही बनेगा। और जो मेरे बगल में भी मेरे एक ननद बनाने के लिए आई है, उसका देखिए चूल्हा कढ़ाई है, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं किए, खड़ा होकर देख रही है। मतलब इधर भी चूल्हा, इधर भी चूल्हा। और हमारे बेसन नहीं चढ़ाया तो देखिए अभी ये अच्छा से लाल हो चुका है, और अभी और थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं अच्छा से, तो ये देखिए हो रहा है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे प्लेट पे, तो थोड़ा प्लेट दीजिएगा। तो ये देखिए प्लेट ला दिए हैं, सूप में ही रखेंगे क्योंकि वो इतना सारा सामान है, तो सब थोड़ा थोड़ा करके रखने का हो जाएगा। कल हम सूप रखे थे, हम नहीं, हमको लाना पड़ेगा, तो शाम हो जाएगा ज़्यादा रात, इसीलिए हम जल्दी जल्दी बना ले रहे हैं सवेरे ही, क्योंकि दक्ष भी छोटा है, अभी दिन में तो सबको पकड़े हैं। तो ये निकाल ले रहे, ये गोभी का पकौड़ी निकल चुका है, थोड़ा सा और है जो कि हम डाल देते हैं, ज्यादा नहीं है। मेरा कटोरा है, ले लीजिए ना मेरा इसे ले लीजिए, फिर धो देगी। तो ये गोभी का अब मेरा निकल चुका है, और अब हम पहले सबसे पहले कढ़ाई को उतार लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है तेल, तो हम इतना जला जला के नहीं बनाएंगे, इसीलिए हम आराम से बनाएंगे। बैगन का ये बैगन का बन रहा है, और कढ़ाई नीचे उतार दिया गया क्योंकि काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, इसलिए आराम से इसे सीजिएगा। और उधर सोनम भी हाथ बटा रही है ना, सोनम अंजलि का हाथ नहीं बटा, अंजलि का देखिए मेरा कैसे खिल गया है सब, इसको होने देते हैं। ये और हम तो देख रहे हैं इतना सारा आइटम का ये बनेगा आज, पकौड़ी हम लोग बोलते हैं, और आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका ये भी हो गया है, और थोड़ा सा बचा बैगन का, क्या थोड़ा सा बैगन मोटा काट दिए क्या, बड़ा बड़ा लेकिन बन गया पापा, बोलिए ना, बोलने से कुछ देखें जी, नीम का खाके देखेंगे, रुको ना, ये तो छोटी वाला, हां छोटा नहीं होगा। अब हम बैगन का ये लास्ट है, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम फिर और बनाएंगे। ये देखिए प्याज है, और ये चना का है, ये और थोड़ा सा बैगन है, ये ब्रेड चॉप, अभी हम आलू को भूंजे मुझे नहीं है, उसको फ्राई कर लेंगे, तो हम फिर बनाएंगे। इतना थोड़ा सा ये बैगन का, तो ये कम्प्लीट हो जाएगा। बुनिया देखिए आप, ये बनाने में लगी हुई है, और हमको काफ़ी लेट हो रहा है, तो ज़्यादा लेट भी नहीं करते हैं, और अभी हम चले जाएंगे अपना ड्यूटी पे, और ये बनाते रहेंगे, है ना। अभी और कितना बाग बनाना बाकी है, तो मेरा शुरू ही हुआ, अभी बहुत टाइम लगेगा हमको, और इसको बहुत अभी टाइम लगेगा, और तो अभी हम इतना ही बनाते हैं, हम तो पूरा बनाएंगे, लेकिन मेरा ब्लॉग पे इतना ही आएगा, और हम रात को आपको बनाए हुए दिखा देंगे कि हम क्या क्या बनाए हैं। शॉर्ट वीडियो में आप जाके मेरा देख लीजिएगा कि क्या क्या हम बनाए हैं, तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड अभी हम लोग, आज तो होली का आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और होली हम लोग की तरफ शायद दो दिन मनाया जा रहा है, लेकिन स्पेशल तो 19 तारीख को हम लोग मनाएंगे, है कि नहीं। हाँ। और आप लोग क्या क्या बनाएंगे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हमारे ब्लॉग को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद, हैप्पी होली, और इन्जॉय कीजिए होली को, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग, बाय।